हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चौथा पांचवा लेक्चर है। इससे पहले जो हमने पहले चार लेक्चर्स में हमने कवर किया था, उसमें हमने किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्लास नाइन का जो एक्सरसाइज टू एंड थ्री का उसको कवर किया था, और चौथी लेक्चर में हमने कवर किया है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कल स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर पे, लेक्चर फोर जो था उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन उसी के कुछ क्वेश्चन जो क्लास टेंथ के बचे हुए हैं उन्हें तो हम कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर फाइव तक डिस्कस किए थे क्लास टेंथ के। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू माइनस फाइव एंड माइनस टू नाइन। देखिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर सिक्स है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है कि हमने क्या एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, कहां पर पॉइंट एक्स एक्सिस पर। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उस वीडियो में कहा था कि जब भी हमारे पास पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उस वक्त वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी। मैंने ये चीजें वहां पर बेसिक, अगर जिसको इन चीजों का पता नहीं है तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देख ले, पहले प्रीवियस वीडियोस पहले चार वीडियोस जो है उसकी उसको देख ले और उसके बाद इन वीडियोस को देख ले। तो पॉइंट कहां पर है एक्स एक्सिस पर, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू माइनस फाइव पर नंबर। ये पॉइंट है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, ठीक। और इस पॉइंट से दो और पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं देख लेते हैं। टू माइनस फाइव, मैं इसके कोऑर्डिनेट रखता हूं टू का माइनस फाइव, और इसके पॉइंट रखता इसके कोऑर्डिनेट रखता हूं माइनस टू नाइन, माइनस टू नाइन, ठीक है। ये दो पॉइंट आ गए, इसका नाम रखता हूं पी, इसका नाम रखता हूं क्यू, ठीक। अब यहां पर हम इसका नाम रखते हैं ए, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट कहां पर है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जब है तो इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की कोई वैल्यू होगी, लेकिन वाई क्या होगा उस वक्त, जीरो होगा। ये अब ये जो दो पॉइंट है पी और क्यू, ये दोनों पॉइंट इस ए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, जितना यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहां से हमने फाइंड करना है, इसमें एक और चीज यहां पर, तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना हमने, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि एक्स की वैल्यू जिस तरह से हमने एग्जाम में कैसे लिखना है, वो भी सारी चीजें मैं आपको कवर। तो देखते हैं इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, लिखें लेफ्ट लेफ्ट, ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। ए एक्स कॉमा जीरो इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इससे और इससे इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी ऑफ माइनस टू कॉमा नाइन एंड क्यू ऑफ टू कॉमा माइनस टू। इस तरह से हम इसको स्टार्ट करना, लिखना कैसे स्टार्ट करना, इस तरीके से ये सोल्यूशन हम लिखेंगे। देखिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे क्यों बताना है, यानी यहां पर बोला कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसा इक्वल,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये निकालेंगे और ये भी फाइंड करेंगे, बाद में ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा एक डिस्टेंस का, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले हम एपी निकालेंगे, एपी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, बता दीजिए बनी एपी हम निकाल रहे हैं तो पी की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या रखेंगे हम, एक्स टू वाई टू, तो माइनस टू माइनस एक्स टू आ गया माइनस टू माइनस एक्स वन, एक्स वन इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू इज नाइन माइनस जीरो का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इक्वल टू यहां पर आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर फोर, देख लीजिए ए का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए, ए हमारे पास क्या है माइनस टू है, इंटू बी, बी हमारे पास माइनस एक्स है, ये हमारे पास एक्स है प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास नाइन का स्क्वायर एटीन और स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस टू टू जर फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एटी वन स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा इंप्लाइज है, यहां पर बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 85 और स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ए भी निकला। अब हम निकालेंगे ए क्यूब, ए क्यूब इक्वल टू फिर डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू, ए क्यूब निकाल रहे हैं टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस फाइव माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर फोर माइनस टू ए टू ए टू इंटू ए इंटू बी एक्स प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव थी और स्क्वायर रूट ये किसके बराबर बन जाएगा टू टू जर फोर एक्स, यानी एक्स स्क्वायर में लिखू ये वाला एक्स स्क्वायर टू टू जर फोर एक्स प्लस माइनस फोर एक्स। ठीक है, अब ये और ये ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस ट्वेंटी नाइन। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक, यहां से आगे अब हमने एपी भी निकाला एक्यू भी निकाला, इन्होंने बोला कि डिस्टेंस जो है इन दी दो पॉइंट्स का वो कैसा है इक्वल है इक्विडिस्टेंट है, तो इसलिए आप क्या करेंगे हम इसको कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है अब हम क्या लिखेंगे इसको, सिंस सिंस पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए, देयरफॉर एपी इक्वल टू ए क्यू। ठीक, जो जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एपी कितना है हमारे पास, एपी हमने निकाला है तो एपी हमारे पास है फोर स्क्वायर रूट किसके बराबर है ये यहां पर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एटी फाइव इक्वल टू ए क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू ये लिखी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर
4x प्लस 29, याद है स्क्वेयरिंग बोल से बोथ साइड्स कर दो इसको स्कैन, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा स्क्वायर और रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25 इक्वल टू स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 4x स्क्वायर 4x प्लस 4x ये पीछे आएगा माइनस को प्लस हो जाएगा इक्वल टू 29 माइनस 35 8x इक्वल टू 85 में से 15 में से 9 को पीछे 6 यहां पर 7 में से 2 को पीछे 5 x इक्वल टू 56 अपान लेकर माइनस बड़े के साथ माइनस है 56 अपॉन 8 इक्वल टू 8 7 तो x इक्वल टू माइनस 7, तो ये ही पहले हमने निकाली थी, x इक्वल टू क्या निकला हमारे पास 7, ठीक है, तो हमारे पास जो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, हेंस द कोऑर्डिनेट्स, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज कौन से है हमारे पास एक्स की वैल्यू -7, 0 क्यों क्योंकि ये पॉइंट क्यों थे वाई की वैल्यू 0 इसलिए क्योंकि पॉइंट कहां पर है एक्स एक्सिस पर, तो क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी ऑफ 2-3 एंड क्यू ऑफ 10 कंबाइंड इज 10 मीटर्स। देखो सही क्वेश्चन है, वहां पर जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पर क्या था हमारे पास ये पॉइंट है ये 2 पॉइंट है, ठीक है, यानी ये कि हमें पॉइंट हमने क्या निकाले हैं, हमें वैल्यू निकाली है, एक पॉइंट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज 10 मीटर, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा नहीं होगा, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पी एक क्यू, ये पी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं और क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक, पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इन्होंने दिए हुए हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स 2-3 2-3 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 10-1 ठीक, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस जो हो जाए पी क्यू यानी 10 यूनिट्स है, कितना है 10 यूनिट्स है, तो हमने क्या निकालना है वैल्यू निकालनी है हमने किसकी वाई, तो फिर डिस्टेंस कौन सा लगाएंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, जो डिस्टेंस निकलेगा उसको वो किसके बराबर होगा 10 के बराबर होगा, ठीक, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर PQ इक्वल टू अंडर रूट x2-x1 फर्स्ट स्क्वायर प्लस y2-y1 फर्स्ट स्क्वायर x2 PQ 10 माइनस 2 फर्स्ट स्क्वायर प्लस y minus 3
ठीक है, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहां पर बन जाएगा, ये बन जाएगा एक का स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर और स्क्वायर रूट एट का स्क्वायर 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू थ्री का सिक्स वाई प्लस बी का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई, ये हमारे पास एड हो जाएगा तो 73 प्लस 73 और स्क्वायर रूट ये हमारे पास कितनी है डिस्टेंस। ठीक, लेकिन डिस्टेंस जो है पी क्यू वो किसके बराबर है, 10 यूनिट्स के बराबर, बट पी क्यू इक्वल टू 10 यूनिट्स, देयरफॉर ये अंडर रूट पी क्यू की वैल्यू हमने ऑलरेडी पी क्यू निकाला था, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस 73 इक्वल टू 10 स्क्वेयरिंग करेंगे, रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा ना, स्क्वायर रूट रूट कैंसिल, तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस 73 इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर 100, तो वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहां पर रूट रहेगा वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई, ये और ये माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 7 यहां पर 9 9 में से 7 27 इक्वल टू 0 ठीक, यहां पर क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे पास बाइसेक्टिंग का मिडल टर्म करेंगे, बाइसेक्टिंग का मिडल टर्म तो 9 3 27 तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर 903 हो जाएगा फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 9 × 3 इक्वल टू 27 ठीक, तो यहां पर हमारे पास क्या है प्लस है, सम जो हमारे पास 6 तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 ये यहां से हमारे पास क्या पहले ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट वाई कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट y प्लस 9 3 कॉमन y माइनस 3 इक्वल टू 0 आइदर y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस 9 एक वैल्यू ये निकली बड़ी वाई की और y इक्वल टू 3 एक वैल्यू ये निकली, तो ये हमारे पास निकल गया वैल्यू ऑफ y, तो यही निकालना था हमने, एक तो हमारे पास निकली 3 और दूसरी निकली यानी माइनस 9 ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 चले देखिए, दैट इफ क्यू 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी ऑफ 5, -3 एंड और इज x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, डिस्टेंस भी निकालना है, आइए देखते हैं पहले डायग्राम से, ठीक है, कोई दो पॉइंट है हमारे पास, एक
पी और ए है आर, कोई दो पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रखते हैं पी और ए पॉइंट है ये, इस पॉइंट का नाम है आर। और ये दोनों पॉइंट जो हैं इनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, ई के अंदर फाइव कॉमा थ्री, फाइव कॉमा माइनस थ्री, और आर के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स कॉमा सिक्स। और इन दोनों पॉइंट्स का एक और पॉइंट है, तीसरा एक पॉइंट है वो यहां पर मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इसका नाम क्यू है, और ये जो क्यू पॉइंट है ये पी से, पॉइंट पी से और पॉइंट आर से इक्वल डिस्टेंस पर, जितना यहां से लेकर ये डिस्टेंस है ये नहीं, पी क्यू जितना है उतना ही क्यू आर भी, ठीक है। और इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है जीरो कॉमा वन। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि ये पॉइंट कहां पर होगा तो देख लीजिए एक्स की वैल्यू कहां पर है, एक्स की वैल्यू क्या जीरो है, ये एब्सिसा जीरो है, तो इसका मतलब पॉइंट जो होगा वो कहां पर होगा, पॉइंट जो होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। तो देख लीजिए, ठीक है। तो यहां से आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये, क्या निकालेंगे पी क्यू, फिर निकालेंगे क्यू आर, और ये दोनों डिस्टेंस जो है ये इक्वल है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे ये और ये इक्वल, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहां से हमारे पास एक और चीज बोलिए क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर तो हमें यहां से निकल जाएगा, और दूसरा बोला है पी आर, और ये डिस्टेंस भी निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आइए देखते हैं PQ, PQ इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू, PQ निकाल रहे हैं तो जीरो माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस थ्री कॉस स्क्वायर इक्वल टू फाइव स्क्वायर प्लस वन माइनस वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री और वन फोर, फोर कॉस स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस 25, 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 41, तो हमारे पास निकल गया क्या PQ, PQ की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम देखते हैं किसकी वैल्यू QR, QR इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू की वैल्यू, के बार की बात कर रहे हैं तो x माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स में से जीरो तो पीछे एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स में से वन पीछे फाइव, फाइव का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव स्क्वायर रूट, ये निकला हमारे पास क्या क्यू आर। लेकिन इसने पता है कि क्यों जो है वो इक्विडिस्टेंट है पी और आर से, तो सिंस पॉइंट
is equidistant from point P and point R. Therefore, PQ equal to QR. ये निकल जाए PQ इक्वल टू QR. तो PQ आपके पास दी हुई है, PQ आपके पास है अंडर रूट 41 इक्वल टू QR. QR है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 41 मिलेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस 25. तो ये हमारे पास ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस या भी जाएगा माइनस 41 इक्वल टू 0. ये एक्स स्क्वायर ये माइनस कर दो 11 में से 5 नीचे 6 3 में से 2 इज 1 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 ट्रांसपोज किया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 ये निकल गया स्क्वायर खत्म होगा रूट चलेगा 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4. तो एक्स की वैल्यू क्या निकली हमारे पास प्लस माइनस 4. ये अब हमारे पास जब प्लस माइनस 4 निकली वैल्यू अब हमारे पास इसका मतलब जो हमारे पास इसके बाड़ी है आर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे. हेंस देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर कौन कौन से हैं, या मुझे एक्स की वैल्यू क्या है, x6 है तो एक्स की वैल्यू एक प्लस लगेगी एक माइनस. तो ये आएगा हमारे पास 4.6 एंड ए पर माइनस नहीं है तो 4 माइनस 4 कॉमा 6 ये हो गया हमारे पास. लेकिन इन्होंने बोला है कि आपने वैल्यू निकालनी है QR की, QR का डिस्टेंस क्या होगा. तो दिए फोर QR इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, QR हमने क्या निकाला है QR ये. तो x की वैल्यू जब हम 4 लेंगे QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 25 ये देंगे इक्वल टू 16 प्लस 25 इक्वल टू ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 41 ये बन जाएगा उसके बाद. तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या हमारे पास होने वाला है, एक और चीज बोलिए तो पी आर ये निकालना. तो पी आर आप आसानी से निकाल सकते हो ये इसके लिए दो केस बनेंगे, एक बार माइनस 4 लेना है एक बार माइनस 6 लेना है. तो ये वाला पार्ट जो है खुद करोगे डिस्टेंस फार्मूला पी आर निकाल के ठीक है. तो ये यहां से आगे इसको तो सॉल्व करोगे ठीक है. तो यहां से अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, तो आप ट्राई करो घर में इस क्वेश्चन को, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके लिख लेना वहां पर और मैं उस क्वेश्चन को मैं निकाल आपको सॉल्व करके बताऊंगा. अब सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियोस को जो हम शूट कर रहे हैं यहां पर बना रहे हैं आप तक पहुंच रही है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचती है और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और